महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन में सोमवार से शहर के बार और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी है। 6 महीनों बाद शहर के रेस्टोरेंट फिर एक बार रौनक दिखाई दी है। महाराष्ट्र में 6 महीने के बाद सोमवार से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और बार फिर से खुल रहे हैं। प्रदेश में 4 लाख से भी अधिक होटल, रेस्टोरेंट और बार है। कोरोना महामारी के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते इन्हें बंद कर दिया गया था। महाराष्ट्र को हॉस्पिटलिटी सेंटर से हर साल 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स मिलता है और यह सेक्टर करीब 2,40,00,000 से अधिक लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार देता है। शहर में ही रोजगार से रेस्टोरेंट मालकों ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है। इतने दिनों से बंद रेस्टोरेंट फिर एक बार शहर के लोगों के लिए खुल रहे हैं। सरकार के इस निर्णय का रेस्टोरेंट व्यवसायिकों ने स्वागत किया है और कहा है कि हम सरकार के द्वारा नियमों का पालन करेंगे। सबसे पहले मैं अपने ग्राहकों का अभिनंदन करता हूँ कि आज से हमारा रेस्टोरेंट चालू हो रहा है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और अपने NMC कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने आज से हमको परमिशन दिया है कि हम अपना बिजनेस सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए हम तहे दिल से सरकार का, कॉरपोरेशन का धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने व्यूअर्स का भी धन्यवाद देता हूँ। 6 महीने बाद कोरोना के चलते खुले रेस्टोरेंट में क्या उपाय योजना की जाएगी, इसके बारे में भी रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि रेस्टोरेंट में आने वाले सभी को पहले सैनिटाइज किया जाएगा, साथ ही एक टेबल पर 2 व्यक्ति को ही बिठाया गया है। भीड़ ना हो इसके लिए कम कर्मचारियों में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उनका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत दिनों बाद राहत मिली है और राहत के खातिर कम से कम नहीं तो भी नागपुर में 15 से 20 लाख लोग रोजगार प्राप्त करेंगे, जैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिनके 20 लाख लोगों के घर चलेंगे, यानी 2-3 लाख लोग तो काम में आएंगे, बाकी उनकी फैमिलीज जो है उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। और इन्होंने खूब सारी गाइडलाइंस रखी है और गाइडलाइन का पालन करना सभी बार वालों का काम है, लेकिन इसमें भी कम से कम 50% बार ऐसे है कि जो बंद होने की राह पे है, जिससे गवर्नमेंट का भी नुकसान होगा, बेरोजगारी बढ़ेंगी और ये सब उसमें आएगा। कि गाइडलाइन ऐसा है कि 50% लोगों को बैठाना है, अब 50% मतलब 50% बेरोजगार हो जाएंगे। जो आज 5 लाख 3 लाख लोग काम करते तो 2.5 लाख लोग काम करते तो 50% पे आ जाएंगे, तो ये बेरोजगार बढ़ेंगे, बेरोजगारी बढ़ेंगे उससे क्राइम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। होटल, बार, रेस्टोरेंट और ढाबे खोलने के लिए भी राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है।